अचानक बड़ी हो गई और बहुत अच्छी कर रही है, बाखत नंबर वन, बहुत अच्छा कर रही है। वो पकड़ लिए, वो समझ सकते हैं क्योंकि छोटी उम्र से वो देख रहे अपने पापा को घर घर में जाके बैठना। कुछ नहीं बोलेंगे, जैसा कि कुछ हुआ है उसको लेके हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग ये चाहेंगे कि शांति वापस आए और शांत रहे देश। देश ये हम सबकी है, देश शांत रहे। इतना ही मैं ऊपर वाला से भी दुआ करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि देश शांति वापस लौट आए। ऑपोजिशन पार्टी के खिलाफ अपने बहुत कुछ आज कहा है, उस पर आप कुछ कहें? उसमें तो कहने का कुछ नहीं है, जो सच है वो कहा है, कुछ झूठ तो नहीं कही है। हम लोग काम करते, हम लोग रास्ते में रहते तो हम लोग बोलेंगे ना। और NRCCA को लेके तो हमारी मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री एकदम सीधी है कि हम होने नहीं देंगे बंगाल में, बस होने नहीं देंगे। ये तो किसी काम की नहीं है, ये सबके ऊपर लागू होगी। ये जो सरकार है ये ना तो हिंदुओं का है ना तो मुसलमान का, ये किसी का नहीं है, ये खुद का है। लेकिन ये क्या सेंट्रल से हो रही है तो क्या स्टेट वाइज जो है मानेंगे? स्टेट वाइज की आप सेंट्रल से कर सकते हो, लेकिन स्टेट को मानना ना मानना ये स्टेट का है। और ये मैं विश्वास रखती हूँ, स्टेट को पावर है क्या? ऑफकोर्स पावर है कि नहीं उतना मैं नहीं जाऊंगी। हम मैं तो इतना जानती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ममता अगर बोली है तो वो होगी। ममता दीदी ने कहा है कि नहीं होने देंगे तो नहीं होने देंगे। हम लोग लड़ाई करेंगे, हम लोग तो रास्ते में ही है, कोई तो हम लोग बाहर नहीं चला जा रहा है, सब हम लोग रास्ते में है। बंगाल के लोगों को क्या पैगाम देंगे आप? बंगाल के लोगों को मैं यही पैगाम दूंगी कि आप लोग शांत रहिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। ममता दीदी है और मैं ये बात कहती हूँ कि ममता के आंचल में हम लोग सब महफूज है, कोई कुछ नहीं है। 62 वार्ड में आज आप आई है, सना अहमद ने जो किया प्रोग्राम उसके ताल्लुक से क्या? सना तो ऐसा प्रोग्राम करती है और ये सना भी कर रही है, हमारी 53 का पार्षद भी करेंगे कल। ये ब्यूटिशियन कोर्स, ये किट, ये सेव लाइफ सेव ड्राइव का जो हेलमेट, ये हमारी पार्षद 52 का भी करते हैं। ब्यूटिशियन किट्स दे रहे हैं, स्विंग मशीन, ये हमारी KMC से आता है। और सना बहुत अच्छा काम कर रही है, सना में एक जुनून है काम करने की। वो सब गली मोहल्ले कूचे सब जगह में जा के पानी का काम कर रही है, पेवमेंट का काम कर रही है, एक है उसके अंदर, बहुत अच्छी काम कर रही है। 62 लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? 62 लोगों के साथ हम लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो लोग जानते भी है। मुझे कुछ कहना नहीं है कि 62 हम तुमको प्यार करते हैं, ये सब नहीं कहेंगे क्योंकि उन लोग जानते हैं हम लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए हम लोग का नेत्री हमेशा ये कहती है कि समाज के हर स्तर को संग में लेते हुए चलना ही असली रूप में उन्नयन है। और 62 नंबर वार्ड में जो हो रहा है ये ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है, ऐसे काम होते रहते हैं। तो ये हम लोग के सरकार के, हमारे KMC के स्वभाव है कि लोगों के काम में आए, लोगों को ऐसा कुछ दे जिससे उनका जिंदगी और बेहतर हो पाए। तो दादा यहाँ से नगरवासी को क्या पैगाम देंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए नगरवासी को यही पैगाम है कि वो लोग लास्ट कुछ सालों से देखा है कि जो राज्य में सरकार चला रहे हैं, जो KMC में बोर्ड चला रहे हैं, वो उनके लिए कितना काम किया है। तो वो अपना दिल की सुने, वो जो देखे हैं, जो अनुभव उन्होंने एहसास किया है, उसी के बिना पे वो लोग अपना निर्णय ले, यही पैगाम होगा। अच्छा दादा, आपने सुबंदा के अंदर भी काम किया है और अभी बॉबीदा के अंडर में भी काम कर रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस यू आर फेसिंग? देखिए बॉबीदा कॉरपोरेशन के इतिहास में उनसे बेहतर मेयर मुझे नहीं लगता है कि कोई है और ना कोई कभी हो सकता है। देख सकते हैं ये 2020 में नहीं, ये चीज 2019 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था और उसके पहले भी हुआ था। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक वो है 62 नंबर वार्ड में, ये हम लोग एक कंटिन्यूस प्रोसेस रखते हैं। हम लोग आप देख सकते हैं हर साल रमजान में हम लोग कम से कम 1200 से 1500 पैकेट अनाज का, जिसमें राशन रहता है लोगों के लिए, रमजान में हम लोग देते हैं। और ये जो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग अभी किया था, इसके
पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। वार्ड में ये चीज़ हम लोग कंटिन्यूस रखते हैं। हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और हम सबको सबसे ज़्यादा इंकरेज करता है कि आप लोग मीटिंग्स कम करिए और रैलीस कम करिए, लेकिन जो आवाम के हित में हो, जो आवाम के काम है, जो आवाम की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन तक पहुँचाइए। अगर आपकी हैसियत है तो आप क्यों नहीं करें। आपको आज हमारा जो हम सबको, मैं ये सब हर वार्ड में सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि जो ज़रूरतमंद है, जब तक आप उनको नहीं पूछेंगे तो फिर आपके होने का मकसद ही क्या है। आज जिस पोस्ट में, जिस पोजीशन में हमें बैठाया जा रहा है, भरोसा करके बैठाया जा रहा है कि आगे चल के ये लोग हमारी सरपरस्ती करेंगे। तकरीबन 58 महीने से आप यहाँ इस वार्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट का क्या क्या मेन काम आपने किया आपके दौर में? डेवलपमेंट का काम तो बहुत जगह हुई है हमारे वार्ड में। शरीफ लेन का देखिए, हम MP फंड से हम लोगों ने 25 लाख का पूरा ड्रेन लाइन चेंज किया था कुछ साल पहले। अभी देखिए आगा मैदी स्ट्रीट का हम लोगों ने पूरा ड्रेन लाइन चेंज करके कंक्रीट का काम किया है। पानी का क्या काम हम लोगों ने हर जगह किया, इमदाद इलेन में देख सकते हैं ड्रेन एंड पानी प्लस कंक्रीट, रास्ता का काम, लाइट आप पूरे वार्ड में घूम के देख सकते हैं कि पूरा वार्ड आज चमकता है। हम लोगों को आज कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से हमारे जो ऑनरेबल मेयर फिराद हकीम साहब जब से आए हैं, हमें फंड की कमी बिल्कुल नहीं हुई है। जिस तरह से हम लोगों ने, जैसा आवाम चाहा उसी तरह से हम लोगों ने काम किया और आज आप देख सकते हैं कि आवाम किस तरह से हमारे सपोर्ट में खड़ी है। आज हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वोटर्स आज हमारे लिए बात करते हैं। ये प्रोग्राम तो हमारी जो काउंसिलर है सना अहमद, वो ये तरह का प्रोग्राम कराती रहती है हमेशा। ये सोशल काम में भी बहुत एक्टिव रहती हैं। आप तो पहले भी, इससे पहले भी आप लोग ने देखा कि वो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या कोई भी सोशल काम हुआ, वो एकदम एक्टिवली ये काम करती हैं। और ये आज का प्रोग्राम जो है, ये हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन है, अम्ब्रेला डिस्ट्रीब्यूशन है, स्विंग मशीन है और हैंडीकैप के लिए व्हील चेयर है, तो ये सब इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी बहुत लोग आए हुए हैं, लेडीज जेंट्स सब आए हुए हैं और सबको ये सब मिल रहा है। क्या लगता है जो सामान बांटा जा रहा है, क्या इलेक्शन के लिए बांटा जा रहा है या वाकई पब्लिक के लिए कुछ करने के लिए? अगर आप देखिएगा उनके बारे में, आपको तो जितना जानते हैं कि तो ये तो हमेशा ऐसा तरह का प्रोग्राम करवाते ही रहती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन के लिए ये करवा रही हैं। ये इस तरह का प्रोग्राम पूरे साल आप देखिएगा तो करते हैं, तो कुछ लोग तो बोलेंगे ही, पर ऐसा कोई बात नहीं है। ये इस तरह का प्रोग्राम हमेशा ही करवाती रहती हैं और ये ज़रूरी नहीं है इलेक्शन के लिए, ये हमेशा ही करवाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सभी को दी जा रही है, सभी को की जा रही है तकसीम? नहीं, ये सबको तो नहीं। अब सबको देखा जाए तो यहाँ पर वोटर्स तो बहुत सारे, अब इतना सारा तो नहीं है, मगर हाँ मैक्सिमम सब किस तरीके से ये सब पार्ट वाइज होता है। जो जो नीडी पीपल होते, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो उन लोग को दिया जाता है ये सब। आप अपना तारुफ बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम है राहत हुसैन और इस वार्ड में मैं स्पोर्ट्स सेल प्रेसिडेंट हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोग सब शांति से बैठिए, नाश्ता कीजिए, हम लोग आराम से एक एक करके आप लोगों को बुलाएंगे। आप ही लोगों के लिए ये सब चीजों का इंतजाम किया गया है, एक एक करके आइए और आराम से लीजिए। रेशमा खातून आप स्टेज में आ जाइए। रेशमा खातून, रेशमा खातून, रेशमा खातून जाने रास्ता दीजिए भाई। है बच्चे तुम जाए ये वाला उठाइए। हाँ हाँ रूही इस्माइल को सिंगल मशीन दी जा रही है सनत के साथ। रीता रॉय, हाँ ठीक है, रीता रॉय ऊपर आइए। रीता रॉय आप आए ऊपर। रीता रॉय को ब्यूटी ब्यूटिशियन किट दिया जा रहा है। बंदोपाध्याय जी उन्हें टेस्ट कर रही है जीना कालम को। उधर से
बाबूजी दो लोग आइए, जिनके पास हेलमेट का कार्ड है दो लोग आइए। हेलमेट का कब कर रहे हैं? गुजारिश करोगे कि आप इनके हेलमेट पहना दिए? पहनना पड़ेगा हमेशा। ऑब्जर्व कीजिए हेलमेट को। एक हेलमेट मेरे पापा पहनाएंगे, पापा इसराइल पहनो। ए सर नीचे करो सर। हेलमेट दे रहे हैं इकबाल अहमद साहब। आप हेलमेट इस्तेमाल करेंगे पाबंदी करेंगे। फाड़ दिए। जिनके पास छाता वाला कार्ड है दो दो लेडीज प्लीज आ जाइए सामने। दो लेडीज आइए। छाता वाला कार्ड जिसका है कार्ड कार्ड और तो आपकी चहेते हैं सना, यहाँ पे हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट इकबाल भी बैठे हैं। सब हम सब मिलके एक जो काम होता है ये काम हम सभी को मिलके करना है। इंद्राणी बहुत अच्छी से कही है कि ये एक है कि औरतों को किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहिए। और औरत है तो क्या है, औरत की भी आज का जमाने में औरत मर्द एकदम एक साथ चलते हुए हैं। हम लोग अगर देखें स्पेस में जो सुनीता विलियम पहुंच गई तो औरत भी कर सकती है। और आप लोगों के लिए सना आज स्विंग मशीन लेके आई है जो है हमारी ब्यूटिशियन किट्स है। और हमारी जो मैं बोल रही थी कि हमारी इस वार्ड क्यों कोई सुनता नहीं है सेफ ड्राइव सेफ लाइफ में, अरे हेलमेट पहन के चलो भाई, बोलता इधर से तो इधर देखो 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 बाइक आ रहे हैं, देखो हेलमेट नहीं है उनके सर पे। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता। ये आप लोगों की जिंदगी के लिए हम लोग बोलते रहते हैं, ये खुद के लिए नहीं। हम तो बाइक चलाना भी नहीं जानते, हम तो कभी चढ़ते भी नहीं, अगर चढ़ते भी तो भी एक पहनने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए जिंदगी इतना आसान नहीं है, जिंदगी बहुत कठिन है। और हम लोगों में तो मानना कि 64 कोटि जन्म लेके फिर एक जिंदगी आती है जो इंसान के होते हैं, तो ये आप सभी को मानना चाहिए कि हम लोग हेलमेट पहन के चले। इसीलिए सेफ ड्राइव सेफ लाइफ छतरी भी रखी हुई है, सब है। देखिए सना को मैं देख रही हूं 2015 से, और यहाँ पे जो लोग बैठी हुई है जो मेरी बहने हैं वो लोग हमसे एकदम माने संग संग बोलेगी कि हाँ सना अचानक बड़ी हो गई, अचानक बड़ी हो गई। ये ही एक औरत है, औरत की जो इंटेंसिटी है कि जब देखा कि जब था बड़े पापा था पापा थे वो चल रही थी, लेकिन अचानक वो पूरा जो अपना जो हमारा जो लड़का लोग है सभी को लेकर साना चल रही है। साना अचानक बड़ी हो गई और बहुत अच्छी कर रही है 62 नंबर वार्ड, बहुत अच्छा कर रही है। वो पकड़ लिए, वो समझ सकते हैं क्योंकि छोटी उम्र से वो देख रहे अपने पापा को घर घर में जाके बैठना, उन लोगों के साथ जीना, ये वो देख के बड़ी हुई है। इसीलिए वो इतनी अच्छी इतने अचानक इतने तुरंत कम दिनों में इस वार्ड को सना पकड़ लिए है। सबको बोल आए हैं हम सबके गार्जियन हमारे सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी। सुदीप बंदोपाध्याय जी एक ऐसे इंसान है जो हर वक्त ये सोचते हैं कि उनके इलाके के लोग किस तरीके से और अच्छे रह पाए। वो उत्तर कलकत्ता को इस तरीके से तरक्याती काम करते आ रहे हैं और कर रहे हैं कि सारा बंगाल में उत्तर कलकत्ता एक दृष्टांत बन चुका है और गर्व होता है।
वो दिखा दिया, मेरा पिताजी जो पग दिखाया वो पत्नी में चलेंगे, और उनका पीछे नैना बंदो पटनायक जो मिले हैं उनका पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट। मेरा बात छोड़िए, उसको तो थाना ही बोलते हैं, कैसे पांच सात में हम लोग लड़ेंगे। अभी तक जहां तक बैठे हुए हैं उन्होंने मुझको कितना अच्छे अच्छे बातें कहा कि दिल्ली से जो सीए होता है, जो एनआरसी होता है, कैसे हमको लड़ना चाहिए, कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए इंद्रानी शाह बनर्जी एक काउंसिलर एमएमआईसी, संचिता मंडल एक चेयरपर्सन ऑफ बोरो कमिटी, और संदीपन शाह 52 वार्ड का काउंसिलर, इतना अच्छा भाषण दिया। और आप लोगों ने इतना भारी रूप से इतना महिलाएं जमा है, तो महिलाएं जो ज्यादा जमा होते हैं उससे ज्यादा प्रोग्राम कभी अच्छा नहीं होता। मैं बहुत खुश हूं देख के, यह सब किट्स दिया जाएगा, जो ट्रेनिंग हुआ वो सब सेंट औरतों को यहाँ से अच्छा अच्छा किट्स दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 62 वार्ड हमारे एक गर्व करने के स्थान है। हम लोग हर वक्त पर जब किसी तरह से कभी किसी तरह से कोई प्रोग्राम में साना में गुला लेते हैं, हम लोग दौड़ के चले आते हैं। मेरा आज पांच प्रोग्राम है, शुरुआत किया 5 बजे से, संदीपन शाह भी मेरा साथ पहले प्रोग्राम में थे, उसके बाद वहां से मणिक तलक गया, यहाँ आया, इसके बाद फिर 24 जाएंगे, उसके बाद 22 जाएंगे, लेकिन 62 वार्ड में आके इतना सुंदर इंतजाम देख के, एक पैंडल भी इतना अच्छा हुआ, ये कितना अच्छा सजाया, सब कुछ में अच्छा अच्छा था। तो 62 वार्ड का ये स्पेशलिटी है, और चोरोंगी हल्के में, ये चोरोंगी हल्के में 62 वार्ड का स्थान जरूर रूप से सबसे आगे है, ये मैं मान लेता हूं। उत्तर कलकत्ता में भी 62 वार्ड का एक अलग परिचय। तो चलिए हम लोग एक तो ये सब बांटेंगे, ये सब धीरे धीरे आप लोगों को पास चले जाएंगे, और दूसरा उत्तर वाला से कहेंगे कि आप दुआ करो इकबाल भाई को हमारे बीच में फिर वापस करा दो, ठीक है। ये मैं दिल से कभी नहीं लेता, ये मेरा छोटा भाई से भी ज्यादा है, मेरा कोई अपना भाई नहीं है, कोई बड़ा भाई, लेकिन ना जाने मैं ये भरोसा रखता हूँ, ऊपर वाला का भरोसा रखता हूँ, इस सर के ऊपर विश्वास रखता हूँ कि ये जरूर इकबाल अहमद एक दिन अच्छा रूप से फिर हमारे बीच में आएंगे, फिर एमएलए खड़े होंगे, फिर हमारे ये सरकार में शामिल होंगे, कोई ना कोई तक जरूर होंगे। तो आप लोगों ने भी उनको लिए ऊपर वाला को कहेंगे, मैं आज ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, आप सब लोग बहुत सारे वक्त लेके यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आशा करता हूं धीरे धीरे जब जरूरत पड़े हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो ये मगरबी बंगाल को किसी तरह से आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे उन्होंने वो हमारे देश में जो सरकार है, जो सरकार हर वक्त पर ये हमारे सेकुलरिज्म को एकदम खत्म करने के लिए कदम उठाते हैं, वो हम लोग कभी नहीं उठाने देंगे, आखिरी दम तक हम लोग इसको खिलाफ में लड़ेंगे। और ममता जी को जो सेकुलर पथ है वो सेकुलर पथ में हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो आइए आज हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें, और सदा के ऊपर मेरा पूरा आशीर्वाद दे दिया जाए कि उन्होंने अगले दिनों में भी ये इलाका से बहुत बड़े बड़े लीडर के रूप में हमारे सामने आए, सब अच्छा।